एक्सरसाइज 10.2 का 10th क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मान लेते हैं हम, लेट अस कंसिडर ए सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट ओ। हमने एक सर्कल माना जिसका सेंटर क्या है, ओ। लेट पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट। पी हम एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन। पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए हमने पी ए एंड पी बी टू द सर्कल विच आर टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। ये दोनों टेंजेंट सर्कल को, ये टेंजेंट तो ए पॉइंट पे टच करती है, ये पॉइंट सर्कल को बी पॉइंट पे टच करती है। एंड ए बी इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए एंड बी। और ए बी जो है, ए बी इज द लाइन ऑफ ज्वाइन ऑफ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ए से बी को हम ज्वाइन कर दें। ए बी इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए एंड बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उन दोनों को ज्वाइन करती है। टुगेदर सच दैट इट सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ओ। देखो ए ओ बी एंगल, सेंटर पे ये वाला एंगल और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कौन सा एंगल बना रही है दोनों टेंजेंट, ये एंगल। हमें इन दोनों एंगल को क्या प्रूव करना है, ये क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 के इक्वल। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमारे पास एंगल ओ ए पी एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, पूरा ये एंगल 90 डिग्री का। ऐसे एंगल ओ बी पी भी क्या होगा, ओ बी पी, ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का। सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। देखो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 के इक्वल। तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ, इन चारों एंगल का सम, ये एंगल, ये पूरा, ये एंगल और ये एंगल, इन चारों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 360 के इक्वल। दो एंगल हमें पता है, उनकी वैल्यू रखेंगे, ओ ए पी की वैल्यू 90 है, ए पी बी को एज इट इज रखेंगे, पी बी ओ की वैल्यू भी 90 डिग्री एंड प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360। इन 90 प्लस 90 180, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 180 के। 360 माइनस 180 क्या आ जाएगा, 180। तो देखो आ गया इन दोनों का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम क्या आ गया, 180। अगर जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो वो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो लिख देंगे, हैंस एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। मतलब इन दोनों का सम 180 प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो क्या होगा, एक रोम्बस। तो गिवन में देखो हम मान लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो इस सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। देन अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। तो ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, सी डी के। बी सी साइड है वो ए डी के इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है। तो रोम्बस का मतलब, अब पैरेललोग्राम तो दे रखा है, अपोजिट साइड इक्वल है, हमें चारों साइड क्या प्रूव करनी है, इक्वल। तो चारों साइड कैसे इक्वल प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले डी आर इज इक्वल टू डी एस। जैसे हमने 9th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में किया था, वैसे ही हम पहले करेंगे। 8th क्वेश्चन में जैसे किया था ना, वैसे ही सेम चलेंगे। देखो डी आर इज इक्वल टू डी एस, जो डी आर है वो किसके इक्वल है, डी एस के इक्वल। टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी, डी पॉइंट से हैं दोनों टेंजेंट सर्कल के ऊपर, तो इसको मान लेंगे हम 3rd इक्वेशन। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। यहाँ से सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन है सेम सर्कल के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल।
ब्रैकेट में लिख देंगे टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी, इसको मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीपी किसके इक्वल आ जाएगा, बीक्यू के। यहाँ भी सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रान है, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रान है, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फाइव। अब ऐसे ही देखो, ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रान है, ए पी इज इक्वल टू ए एस, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस आ जाएगा, टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सिक्स। सभी को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इन सब को ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे पार्ट ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले इधर ऐड हो जाएंगे। तो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल टू आ जाएगा डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। डी आर प्लस सी आर को एक साथ रखेंगे, बी पी प्लस ए पी को एक साथ रखेंगे, यहाँ पर डी एस प्लस ए एस को एक साथ रखेंगे और सी क्यू प्लस बी क्यू को। तो देखो डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर क्या साइड बन जाएगी हमारी सी डी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सी डी। और बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी क्या आ जाएगा ए बी, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी। एंड ए डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस क्या आ जाएगा ए डी, ऐसे ही सी क्यू प्लस बी क्यू क्या आ जाएगा बी सी, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे इसमें, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में क्या था, ए बी सी डी के इक्वल, बी सी ए डी के इक्वल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सी डी की जगह पे ए बी रख देंगे और ए डी की जगह पे बी सी, तो ए बी प्लस ए बी बन जाएगा, ये बी सी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस ए बी क्या आ जाएगा टू ए बी, एंड बी सी प्लस बी सी क्या आ जाएगा टू बी सी, टू कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा बी सी के, इसको मान लेंगे हम सेवन्थ इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड सेवन्थ, फर्स्ट सेकंड और सेवन्थ में देखो ए बी सी डी के इक्वल है, यहाँ से ए बी बी सी के भी इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है, तो चारों साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम गिवन में दे रखा है, तो ए बी सी डी क्या आ जाएगा एक रोमबस।